बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोजिज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका डॉक्टर एम अबरार और मिर्ज़ा उस्मान बेग के चैनल के लिए एक और वीडियो लेकर आपके सामने मौजूद हैं। तो आज की ये वीडियो सांवली सलोनी ज़हरा बेगम, इनकी काम और शख्सियत के हवाले से है। इनकी रंगत गंदमी थी, तो जैसे हम कहते हैं कि सलोनी सांवली सलोनी का मतलब, सांवली का मतलब ये होता है कि गंदमी रंगत वाली। तो इनकी आंखें बड़ी खूबसूरत थीं। ये 26 अप्रैल 1950 को ये हैदराबाद में पैदा हुई, और हैदराबाद से इनको इनका फिल्मी शौक़ जो है वो ले जाता है कराची। कराची ये फिर 1964 में एक फिल्म बनती है, उसका नाम गद्दार। उसमें सुधीर और मोहम्मद अली जैसे कादावर अदाकार उसमें काम कर रहे थे, तो उनके मद्दे मुकाबल जो है वो इन्होंने वो काम किया। उसी ही साल में ये आदिल फिल्म भी मोहम्मद अली साहब के साथ जो है वो इन्होंने की। तो इस तरह इनका जो है वो क्या है, फिल्मी कैरियर शुरू होता है, और ये जल्द ही अपने आप को मनवा लेती हैं। और इनकी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र वो भट्टी बरादरान पर पड़ती है, और भट्टी बरादरान चूँकि एक टीम की सूरत में काम किया करते थे, तो ये उनकी टीम का हिस्सा बन जाती हैं। वो चंद मखना में ये अनायत हुसैन भट्टी इनको लेते हैं, और वो भी फिल्म इनकी जो है वो सुपर हिट होती है। तो इस तरह इनका जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो अपने एक मकाम बना लेती हैं। इनकी एक फिल्म आती है दो मुटियारा। दो मुटियारा में ये हमारे बड़े मारूफ गुलकार हैं मसूद राणा, वो बेली का किरदार अदा कर रहे थे। वो एक ऐसा खामोश लवर होता है इनका, जो छुप छुप कर इनसे प्यार करता है, लेकिन ये इनका रुझान जो है वो हबीब साहब की तरफ होता है, और हबीब साहब जो हैं वो पहले ही फिरदौस को चाहते हैं, यानी फिरदौस भी हबीब साहब को चाहती है और हबीब साहब भी उसको चाहते हैं। ये इस तरह की स्टोरी है, और इसमें इतने रुख चेंज होते हैं, इतने पलटे खाते हैं कि वो फिल्म जो है वो देखने के काबिल है। और उसमें एक बहुत खूबसूरत गीत जिस पे इनकी खामोश परफॉर्मेंस है, वो गाते मसूद राणा हैं कि हुन गल कर दिला पहला ने सा मानदा वेख ले आई मज़ा प्यार करंदा। उसमें जो इनके तासुरात हैं, उसमें जो एक्सप्रेशन है, वो देखने के काबिल हैं। तो सलोनी इस तरह मुख्तलिफ फिल्मों में काम करते करते एक फिल्म इनको मिलती है सवाल, हसन तारिक की। तो उसमें इनका बड़ा ज़बरदस्त किरदार था, तो उस किरदार को इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ निभाया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। तो इनका इंडस्ट्री में एक तूती बोलता था, फिर इनका एक मुआशका शुरू हो जाता है। ये ग़ुलाम बारी मलिक जो बारी स्टूडियो के मालिक थे, तो वो उम्र में बहुत बड़े थे इनसे, उनकी पहली भी शादी हो चुकी थी, उसमें औलाद थी। हमारे एक नामवर प्रोड्यूसर हैं राहील बारी, जो शोहर रहे मुमताज़ बेगम के, और फिर जो खुर्रम बारी मलिक, वो उनके ये वालिद खुर्रम बारी मलिक जो हैं वो ऑनर हैं बारी मलिक के, तो वो पहली बेगम से ये औलाद थी। तो इनसे जो हैं वो दो बेटियां हुई, और बेटियां जो हैं वो इन्होंने ब्याह दी बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ। तो जब इनकी शादी हुई, तो उस वक़्त इन्होंने जो है वो अपना काम करना छोड़ दिया, और ये बरून मिल्क अपने शोहर के साथ चली गई। वहाँ इन्होंने कुछ 5-6 साल गुजारे, फिर उसके बाद जो है ये वापस आती हैं, तो फिर कुछ इनके मामलात बिगड़ते हैं आपस में ग़ुलाम बारी मलिक से, तो फिर ये दोबारा जो है वो फिल्मों में आ जाती हैं, और फिर दोबारा ये अपना फिल्मी कैरियर करती हैं। लेकिन
वो कोई कैरियर इतना बड़ा नहीं होता, वो जो है वो 79 पर आकर ख़त्म हो जाता है। अमीर ते गरीब अली एजाज साहब की एक फिल्म थी, उसमें इनका वो किरदार था, तो वो उनकी वो आखिरी फिल्म जो है वो साबित होती है। तो फिर ये एक घरेलू अपने यानी बच्चियों में इन्वॉल्व हो गई और बच्चियों की ये यानी परवरिश में लग गई, और बच्चियां जैसा मैंने कहा इन्होंने बाइज्जत तरीके से ब्याहीं। तो ये लाहौर में ही रहती थी, लेकिन ये चली गई वहाँ पर कराची अपनी बेटी से मिलने, अपनी वफात से कुछ 15 दिन पहले। तो वहाँ पर ये डायग्नोज होता है इनका लिवर का मामला, तो वो इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि वहाँ ही इनका इंतकाल हो जाता है 14 अक्टूबर 2010 को। तो फिर उनकी ये मैयत यहाँ लाहौर लाई जाती है, और लाहौर आकर यहाँ पर जो है उनको ये दफन किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जितना भी कैरियर रहा, इनका वैरायटी में काम था, और इन्होंने अपने आप को मनवाया, और ये एक गंदमी रंगत वाली खातून अपनी आँखों या अपने काम के हवाले से ये इसने दिलों पर, लोगों के दिलों पर राज किया। इनकी बेशुमार फिल्में हैं जो सुपरहिट रहीं, और इन्होंने बहुत सारे हीरोज़ जो हैं उनके साथ काम किया, जिसमें एजाज के साथ इनका काम ज़्यादा है, हबीब साहब के साथ, इकबाल हसन के साथ इनका काम, यूसुफ खान के साथ इनका काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको जितना वक्त दिया उसको उन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया। ये एक अच्छी बीवी के तौर पर भी इनका एक किरदार नुमाया है, फिर एक अच्छी माँ के तौर पर दो बेटियों की परवरिश करना और उनको अच्छे घरों में ब्याह देना। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको क्रेडिट जाता है। तो अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग का, कि ये हमारे जो लेजेंड हैं जो अब अबदी नींद सो चुके हैं, और आज की नस्ल को नहीं पता इनके बारे में, तो इनके चैनल के तवस्सुत से इनके काम और इनके नाम की शनाख्त होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।